सो हे गाइस, जो आप प्रीमियर वीडियो देख रहे हैं इस टाइप के, यहाँ पे जो डॉट वाली वीडियो है और यहाँ पे जो इमोजी फ्लच करके आ रही है, तो इसका टोटल लेके आ गया हूँ। तो वीडियो को आपको जरा सा भी स्किप नहीं करना, प्रॉपर तरीके से देखना होगा, तभी जाके आप इस टाइप का यहाँ पे वीडियो को या फिर इस टाइप के टेम्पलेट को आप इजिली क्रिएट कर पाएंगे। जो कि ऐसा यहाँ पे होता था पहले, लाइट मोशन में आपको अलाइनमेंट या फिर टेम्पलेट से देखने को मिलते थे या फिर आप यूज भी कर लेते थे, लेकिन अभी के टाइम पे ये जो टेम्पलेट्स हैं, ये जो अलाइनमेंट्स हैं, ये अभी नहीं आ रहे हैं। तो सिंपल से आपको इसे अपने आप से ही एडिट करना होता है और अपने आप से ही क्रिएट करना होता है। तो वीडियो को आपको स्किप नहीं करना है, प्रॉपर तरीके से देखना। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को एक लाइक प्लीज़ कर देना और एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना। बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे करके सिलेक्ट कर लें, जैसे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल जाए। तो यहाँ पे ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं अपने स्टेप की ओर। तो यहाँ पे हमारे पास एलाइट मोशन एप्लीकेशन, इसी को ओपन करना है। ओपन करने के बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा, प्लस पे टाइप करना है एंड उसके बाद में नो बाई 16 का रेशियो, रेजुलेशन, फ्रेम रेट, बैकग्राउंड आपको इस टाइप रखना है और उसके बाद में क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक कर देना है। जो इस टाइप की वीडियोस होती हैं कभी ना कभी आपको इसका ट्रेंड देखने को मिलता ही है। तो इसकी जो आप वीडियो एडिटिंग लाइफ में आपको कहीं ना कहीं इस चीज़ की ज़रूरत लगती है, तो इस वीडियो में इसी पर बात कर रहा हूँ। तो इसे आपको स्किप नहीं करना है, सिंपल से आपको क्लिक करना है प्लस पे एंड उसके बाद में अब यहाँ पे आपको सर्कल को ऐड करना है एंड उसके बाद में अब यहाँ पे आपको कुछ इस टाइप से कलर पे टैप करना है, वाइट कर देना है। वाइट करने के बाद सिंपल से आपको यहाँ पे आपको मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे टैप करना है एंड उसके बाद में अब यहाँ पे आपको जूम पे क्लिक करना है और कुछ इस टाइप से आपको इसे छोटा कर देना है। तो कुछ इस टाइप से यहाँ पे छोटा हो चुका है एंड उसके बाद में इधर से आपको बैक कर देना है। बैक करने के बाद अब यहाँ पे आपको कुछ एक सेकंड या फिर आप इसे एक सेकंड 15 पर कर देना है। तो कुछ इस टाइप से 15 पे कर दिया हूँ एंड आगे जो भी अगर हमें एडजस्टमेंट करना होता है तो सिंपल से मैं एडजस्टमेंट कर लूँगा। तो यहाँ पे कुछ इस टाइप से हो चुका है, आगे का एक्स्ट्रा पार्ट इस टाइप से आपको कट कर देना है। कट करने के बाद तो यहाँ पे आपको कुछ इस टाइप से इफेक्ट पे टैप करना है, ऐड इफेक्ट पे क्लिक करना है एंड उसके बाद में यहाँ पे आपको सर्च करना है रिडायल। तो सिंपल से आपको इस टाइप से लिखना है एंड उसके बाद में यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा। सिंपल से हमें यहाँ पे मिल गया है रिडायल रिपीट। तो यहाँ पे रिडायल रिपीट यहाँ पे आपको इसे ओपन करना है, स्टैंडर्ड सेटिंग पे टैप करना है एंड उसके बाद में अब यहाँ पे आपको इसका जो यहाँ पे काउंट है, काउंट को यहाँ पे आपको क्लिक करना है एंड इसे आपको यहाँ पे 12 पे सेट करना है। जितने डॉट रखने हैं उतने आप यहाँ पे सिंपल से ऐड कर सकते हैं एंड उसके बाद में अब यहाँ पे आपको कुछ इस टाइप से दूसरे नंबर पे आपको मिलेगा रेडियस, रेडियस पे आपको टैप करना है एंड उसके बाद में अब यहाँ पे आपको कुछ इस टाइप से फर्स्ट में एक की अप्लाई कर देना है और इससे आपको यहाँ पे कुछ इस टाइप से क्लिक करना है और यहाँ पे आपको कुछ इस टाइप से लिख देना है। तो कुछ इस टाइप से यहाँ पे फर्स्ट में लिख दिया है एंड उसके बाद में कुछ इस टाइप से हो चुका है। अब यहाँ पे आपको कुछ इस जगह पे आपको आ जाना है, यहाँ पे एक की फिर से ऐड करना है एंड उसके बाद में इस जगह पे क्लिक करना है एंड कुछ इस टाइप से आपको इसे 6 पे कर देना है। तो कुछ इस टाइप से यहाँ पे हो चुका है जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो। उसके बाद में इधर से आपको बैक कर देना है, बैक करने के बाद कुछ इस टाइप से यहाँ पे हो जाएगा। तो ओरिजिनलेशन तो यहाँ पे आपको इसे 0 पे रखना है एंड एंगल को यहाँ पे आपको कुछ इस टाइप से 0 पे रखना है एंड उसके बाद में अब यहाँ पे आपको मिलेगा स्वीप, स्वीप को यहाँ पे आपको ऐसे ही रखना है एंड उसके बाद में स्केल को यहाँ पे आपको कुछ इस टाइप से फर्स्ट में आ जाना है एंड उसके बाद में अब यहाँ पे आपको 3 की ऐड कर देनी है सिंपल से। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है एंड फर्स्ट में 1 की अप्लाई कर देना है एंड उसके बाद में अब यहाँ पे आपको कुछ इस जगह पे 1 की ऐड करना है एंड उसके बाद में अब यहाँ पे आपको कुछ इस जगह पे 1 की ऐड कर देना है। तो यहाँ पे कुछ इस टाइप से ऐड हो जाने के बाद फर्स्ट में आपको आ जाना है, इसे आपको यहाँ पे कुछ इस टाइप से 0.07 कर देना है एंड उसके बाद में अब यहाँ पे आपको जो नेक्स्ट की है इस पर आपको आ जाना है एंड उसके बाद में यहाँ पे आपको टाइप करना है 0.21 आपको यहाँ पर कर देना है। कुछ इस टाइप से हो चुका है एंड उसके बाद में इधर से आपको बैक करना है और यहाँ पे आपको आगे वाली की पर चले जाना है एंड उसके बाद में अब यहाँ पे आपको कुछ इस टाइप से 0.00 कर देना है। तो कुछ इस टाइप से हो चुका है एंड उसके बाद में अब इधर से आपको सिंपल से बैक कर देना है। तो ये कुछ इस टाइप से यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे आपको करने के इस पर आपको क्लिक करना है, जूम वाले पे क्लिक करना है, मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे एंड उसके बाद में कुछ इस टाइप से आपको साइज को इंक्रीज कर देना है। तो ये कुछ इस टाइप से यहाँ पे जा रहा है, ज़्यादा ही हो गया। तो इसे आप यहाँ पे कुछ इस टाइप से अपने अकॉर्डिंग इसे कम कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ इस टाइप से हो चुका है एंड उसके इतना है आपको यहाँ पे जूम को रखना है जैसा कि आप यहाँ पर देख पाएंगे। तो अपने अकॉर्डिंग जैसे चाहें वैसा आप यहाँ पे सिंपल से एडजस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे 265 है तो इसे आपको यहाँ पे 250 पे कर देना है। तो इसे आपको यहाँ पे 250 पे जूम कर देना है एंड उसके बाद से आपको बैक कर देना है। बैक करने के बाद सिंपल से कुछ इस टाइप से कलर को चेंज करना है। सिंपल से आप यहाँ पे कलर को चेंज कर सकते हैं जैसा कि आप यहाँ पर देख पाएंगे। तो यहाँ पे मैं व्हाइट रखता हूँ, व्हाइट रखने के बाद सिंपल से आपको इधर से बैक कर देना है। बैक करने के बाद कुछ इस जगह पर आपको आ जाना है एंड उसके बाद में अब यहाँ पे आपको
कुछ इस टाइप से प्लस पे टाप करना है। एंड उसके बाद में अब यहाँ पे आपको ये वाली जो लाइन है इसे आपको सिंपल से यहाँ पे ऐड कर देना है। ऐड हो जाने के बाद सिंपल से आपको इसे कुछ यहाँ तक आपको रखना है। आगे का जो भी स्ट्रा पार्ट से इस तरीके से आपको क्लिक करना है, आगे का जो भी स्ट्रा पार्ट से कट कर देना है। कट करने के बाद सिंपल से कुछ इस टाइप से यहाँ पे हो चुका है। तो अभी भी इसकी जो स्पीड है स्पीड ज़्यादा लग रही है, बट मैं आपको वीडियो को एडिट करने के बाद वीडियो को कंटिन्यू करूँगा कैसे आप इसे स्पीड को ज़्यादा कर सकते हैं या फिर इसकी लेंथ को कम कर सकते हैं बिना कोई इफेक्ट कटे। तो यहाँ पे आपको लाइन वाला जो ब्रश है इसे आपको यहाँ पे ऐड करना है। तो यहाँ पे आपको लाइन वन दिख रहा होगा, लाइन ब्रश नहीं दिख रहा होगा, सिंपल से आपको इसे ऐड करना है। एंड उसके बाद में अब यहाँ पे आपको इफेक्ट यहाँ पे आपको ऐड करना है। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है इस लाइन पे, एंड उसके बाद में इफेक्ट पे टाइप करना है, एड इफेक्ट पे क्लिक करना है। एंड उसके बाद में यहाँ पे आपको मिल जाएगा ड्राइंग प्रोग्रेस। तो यहाँ पे आपको इस प्रकार से लिखना है DRA। तो यहाँ पे आपको ड्राइंग प्रोग्रेस पे आपको टाइप करना है, एंड उसके बाद में स्टैंडर्ड सेटिंग पे टाइप करना है। एंड उसके बाद में अब यहाँ पे आपको कुछ इस टाइप से यहाँ पे आपको स्टार्ट एंड उसके बाद में यहाँ पे मिलेगा एंड, तो दो आपको मिल रहे हैं। इस पर आपको क्लिक करना है, इस जगह पे आना है, फर्स्ट में एक की अप्लाई करना है। एंड उसके बाद में अब यहाँ पे आपको इस जगह पे आपको आ जाना है लेंथ के। एंड उसके बाद में अब यहाँ पे आपको फिर से एक की को ऐड कर देना है। तो इसे आपको यहाँ पे थोड़ा सा और इस टाइप से इस साइड को ले आना है। एंड उसके बाद में इस जगह पे आना है। एंड उसके बाद में अब इसे आपको यहाँ पे कुछ इस टाइप से शो पर कर देना है। इस टाइप से यहाँ पे आपको 99.8 या फिर 100 पे भी कर सकते हैं। एंड उसके बाद में इस जगह पे आपको आ जाना है फर्स्ट में। एंड उसके बाद में इसकी पे आने के बाद अब यहाँ पे आपको कुछ इस टाइप से 00 रहता है। एंड उसके बाद में अब यहाँ पे आपको एंड वाले पे आ जाना है। एंड उसके बाद में इस जगह पे आपको क्लिक करना है। एंड उसके बाद में शुरू में आना है, शुरू में आपको शुरू में फर्स्ट में एक बीट को ऐड, सॉरी यहाँ पे आपको एक की को ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद अब यहाँ पे आपको इस जगह पे आना है। एंड उसके बाद में अब इसे आपको यहाँ पे कुछ इस टाइप से एक प्लस को ऐड करना है। एंड उसके बाद में कुछ इस टाइप से आपको इसे यहाँ पे आपको टैप करना है, 99.8 आपको कर देना है। कुछ इस टाइप से यहाँ पे हो चुका है जैसा कि आप यहाँ पर देख पाएंगे। तो कुछ इस टाइप से हमारा लाइन ब्रश यहाँ पे हो चुका है। एंड उसके बाद जैसे आपको बैक कर देना है, बैक करने के बाद प्लस पे टैप करना है। एंड उसके बाद में सर्च करना है यहाँ पे आपको रिडायल रिपीट। तो यहाँ पे आपको सिंपल से कुछ इस टाइप से RAD लिखेंगे तो यहाँ पे आपको चौथे नंबर पे मिला है रिजल्ट रिपीट। तो यहाँ पे आपको टाइप करना है, स्टैंडर्ड सेटिंग पे टाइप करना है। एंड उसके बाद में अब इसे आपको यहाँ पे ओपन करना है। ओपन करने के बाद सिंपल से आपको यहाँ पे मिल जाएगा फर्स्ट में। तो इसे आपको यहाँ पे काउंट को 12 कर देना है। तो कुछ इस टाइप से यहाँ पे कर दिया हूँ। एंड उसके बाद में अब यहाँ पे आपको कुछ इस टाइप से नीचे मिला गया स्केल, सॉरी यहाँ पे आपको रेडियस, दूसरे नंबर पे रेडियस है तो इस पर आपको टाइप करना है। एंड उसके बाद में फर्स्ट में एक की ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद सिंपल से आपको यहाँ पे कुछ इस टाइप से इस जगह पे आना है। एंड उसके बाद में अब इसे आपको यहाँ पे कुछ इस टाइप से एक की को ऐड कर देना है। तो कुछ इस टाइप से हो चुका है। एंड उसके बाद फर्स्ट में कुछ इस जगह पे आने के बाद सिंपल से आपको यहाँ पे इसे कुछ इस टाइप से क्लिक करना है यहाँ पे। एंड उसके बाद में 100 178 एंड उसके बाद में डन पे टाइप करना है। एंड उसके बाद में लास्ट की पर आपको चले जाना है इस जगह पे। एंड उसके बाद में यहाँ पे आपको टाइप करना है एंड कुछ इस टाइप से आपको 352 कर देना है। तो कुछ इस टाइप से यहाँ पे हो चुका है एंड कुछ इस टाइप से यहाँ पे लग चुका है। एंड कुछ इस टाइप से यहाँ पे देखने में लगेगा, सिंपल से यहाँ पे कुछ इस टाइप से हो चुका है। एंड उसके बाद में यहाँ पे आपको मिलेगा ओरिजिनेशन, तो यहाँ पे आपको इसे 0 पे रखना है। एंड उसके बाद में अब यहाँ पे आपको मिलेगा एंगल, तो यहाँ पे आपको मिलेगा ओरिजिनेशन, तो यहाँ पे आपको इस पर टाइप करना है। एंड उसके बाद में कुछ इस टाइप से 136 आपको यहाँ पे कर देना है। तो कुछ इस टाइप से यहाँ पे सीधी सीधी लाइनें हो जाएंगी। एंड उसके बाद में जैसे आपको बैक करना है, एंगल पे आना है, एंगल को 0 करना है। एंड उसके बाद में नीचे आपको मिलेगा स्विप को, यहाँ पे आपको 360 डिग्री। एंड उसके बाद में स्केल पे आना है, स्केल पे आने के बाद अब यहाँ पे आपको इस फर्स्ट वाली पे आना। एंड उसके बाद में अब यहाँ पे आपको कुछ इस टाइप से, तो यहाँ पे आपको स्केल को कुछ इस टाइप से 1.00 कर देना है। एंड उसके बाद में अब यहाँ पे आपको इधर से बैक कर देना है। बैक करने के बाद कुछ इस टाइप से हो चुका है। एंड उसके बाद में यहाँ पे आपको इफेक्ट पे टाइप करना है, एड इफेक्ट पे क्लिक करना है। एंड उसके बाद में यहाँ पे आपको सर्च करना है जूम ब्लर, तो सिंपल से आपको कुछ इस टाइप से जूम ब्लर पे टैप करना है। टैप करने के बाद स्टैंडर्ड सेटिंग पे टैप करना है, इसे आपको यहाँ पे ओपन करना है। ओपन करने के बाद सिंपल से आपको यहाँ पे मिल जाएगा कुछ इस टाइप का इंटरफेस, जैसे कि यहाँ पे एक्स एंड वाई, यहाँ पे आपको कॉन्ट्रास्ट सेंटर पे आपको एक्स एंड वाई को यहाँ पे आपको ऐसे ही रखना है। एंड उसके बाद में यहाँ पे आपको आ जाना है अपने स्ट्रेंथ पे। स्ट्रेंथ पे आने के बाद सिंपल से आपको फर्स्ट में एक की अप्लाई करना है। एंड कुछ इस टाइप से आपको इस जगह पे एक की ऐड करना है। एंड कुछ इस टाइप से आपको इस जगह पे आ जाना है। एंड उसके बाद में अब इसे आपको यहाँ पे कुछ इस टाइप से की को ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद लास्ट वाली को यहाँ पे आपको 00, फिर में सेकंड वाली की पे आपको आ जाना है। इसे आपको यहाँ पे कुछ इस टाइप से 0.04 कर देना है। एंड उसके बाद में अब यहाँ पे आपको जाना है फर्स्ट में, इस जगह पे आना है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। एंड उसके बाद में अब यहाँ पे आपको 0.20 कर देना है।
तो कुछ स्टेप्स यहाँ पे हो चुका है जैसा कि आप यहाँ पर देख पाएंगे। उसके बाद में कुछ स्टेप्स यहाँ पे ऐड हो चुका है जैसा कि आप यहाँ पर देख पाएंगे, तो कुछ स्टेप्स हो चुका है। एंड उसके बाद में आपको बैक करना है, कलर पे आना है। इसका जो कलर है आपको यहाँ पर, तो यहाँ पे आपको बॉर्डर जड़ों पे आना है। इसका जो कलर है, कलर को आपको चेंज करना है। सिंपल से आपको यहाँ पर कुछ स्टेप्स है, इस स्टॉक पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको व्हाइट को सिलेक्ट कर देना है। कुछ स्टाइप्स यहाँ पे ऐड हो जाएगा। देन उसके बाद इधर से आपको बैक करना है, कुछ स्टाइप्स यहाँ पे ऐड हो चुका है। तो सिंपल तरीके से यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्लियर कंप्लीट हो चुका है। एंड उसके बाद में इसे आपको यहाँ पे क्लिक करना है एंड कुछ स्टाइप्स यहाँ पे आपको डुप्लीकेट कर देना है। तो डुप्लीकेट करने के बाद सिंपल से कुछ स्टाइप्स हो चुका है, इस पर आपको क्लिक करना है। एंड उसके बाद यहाँ पे आपको इफेक्ट पर टैप करना है एंड उसके बाद ड्राइंग प्रोग्रेस पे आना है। कुछ स्टाइप्स आपको यहाँ पे जो स्टार्ट है, स्टार्ट पे आपको आना है। इसे आपको फर्स्ट में 0 एंड उसके बाद में लास्ट में आपको इस जगह पे कुछ इस टाइप से 97.3 आपको सेट करना है। सेट करने के बाद नीचे आपको एंड वाले पे आ जाना है। तो कुछ इस टाइप से यहाँ पे आपको टैप करना है एंड उसके लिए फर्स्ट में आपको इस जगह पे आना है। एंड यहाँ पे आपको सेटिंग ही करनी है, बाकी का की मार्क फ्रेम हमारा अच्छे से ऐड हो चुका है। तो यहाँ पे आपको टैप करना है एंड उसके बाद में अब यहाँ पे आपको कुछ इस टाइप से 21.6 आपको कर देना है। 0.6 आपको फर्स्ट में कर देना है एंड उसके बाद में इस जगह पे आना है। एंड उसके बाद में अब यहाँ पे आपको 99.8 आपको कर देना है। तो सिंपल से हमारा जो यहाँ पे लेयर है कुछ इस टाइप से बन चुके हैं। अब यहाँ पे इतना हो जाने के बाद सिंपल से आपको इस पर टैप करना है एंड उसके बाद में यहाँ पे आपको मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करना है और कुछ इस टाइप से आपको इसे छोटा कर देना है। तो कुछ इस टाइप से यहाँ पे देख पाएंगे जा रहे हैं। तो इस टाइप से आपको यहाँ पे इसे अच्छे से सेट करना है। सेट करने के बाद सिंपल से हमारे यहाँ पे इफेक्ट लग गया है। एंड उसके बाद में अब यहाँ पे आपको क्लिक करना है दोनों को, सॉरी यहाँ पे आपको तीनों को कुछ इस टाइप से क्लिक करके ग्रुप क्रिएट कर देना है। ग्रुप क्रिएट हो जाने के बाद सिंपल से आपको यहाँ पे एक जो यहाँ पे फ्लैश करके इमोजी आता है उससे आपको यहाँ पर ऐड करना है। तो सिंपल से आपको यहाँ पे कुछ इस टाइप से इस जगह पे आपको आ जाना है एंड उसके बाद में अब यहाँ पे आपको उस इमोजी को ऐड करना है जो कि यहाँ पे इफेक्ट ऐड है। तो वो मैं आपको एक वीडियो में बताया हूँ कैसे आप ऐड कर सकते हैं, वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो मिल जाएगी और आपको एंड स्क्रीन में भी वो वीडियो मिल जाएगी। वहाँ से आके आप देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे आपका टाइम बर्बाद ना हो, वहाँ से आप इजीली देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे हर एक प्रोसेस को फॉलो किया है। तो उस तरीके से आप वीडियो को क्रिएट कर सकते हैं, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी। एंड उसके बाद में इधर से आपको बैक करना है। मैं आप इस जगह पे आने के बाद सिंपल से आपको इसे पेस्ट कर देना है। पेस्ट करेंगे तो कुछ इस टाइप से यहाँ पे हो जाएगा जैसा कि आप यहाँ पर देख पाए। उसके बाद में ड्यूरेशन पे क्लिक करना है और इसे आपको इतना कर देना है। सिंपल से यहाँ पे हो चुका है। एंड उसके बाद में अब इसे आपको यहाँ पे क्लिक करना है एंड उसके बाद में यहाँ पे आपको मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे टैप करना है एंड इसे आपको यहाँ पे कुछ इस जगह पे सेट कर देना है, बीचों बीच में सेट कर देना है। कुछ इस टाइप से यहाँ पे सेट हो चुका है जैसा कि आप यहाँ पर देख पाएंगे। तो इसे आपको यहाँ पे कुछ इस टाइप से जूम वाले पे क्लिक करना है एंड उसके बाद में अब इसे आपको यहाँ पे कुछ इतना आपको यहाँ पर सेट कर देना है। तो कुछ इस टाइप से यहाँ पे हो चुका है जैसा कि हमारे यहाँ पे फ्लैश इफेक्ट भी अच्छे से यहाँ पे ऐड हो चुका है। तो कुछ इस टाइप से यहाँ पे ऐड हो चुका है। एंड उसके बाद में अब यहाँ पे आपको करने क्या है, सिंपल से आपको इस वीडियो को आपको एक्सपोर्ट कर लेना है या फिर अपने अकॉर्डिंग किसी भी वीडियो में आप अप्लाई कर सकते हैं इस वाले इफेक्ट को। अभी के टाइम पे बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चला है। तो वीडियो अगर आपको जरा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक प्लीज़ कर देना और एक प्यारा सा कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे करके सिलेक्ट कर लेना जैसे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ईजिली मिल जाए। तो मिलते हैं किसी ऐसे ही वीडियो के साथ। तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल फ्रेंड्स।